हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वैष्णवी रायकवार। आज मैं ड्रॉ करने वाली हूँ कैप्सिकम। ये मैंने एक फ़ोटो निकाली थी नेट से कैप्सिकम की, वही मैं ड्राइंग कर रही हूँ, लाइन ड्राइंग कर रही हूँ। काफ़ी लाइट ड्राइंग कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना आए जब मैं शेडिंग करूँ तब वो डार्क डार्क ना दिखे। डार्क ड्रॉ करने से ये होता है कि वो ड्राइंग पूरी फ्लैट दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि बाउंड्री बना दी हो आपने, बस उसमें आपको कलर भरना है। तो अपने को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना अपन डिटेल में, जितना अच्छे से अपन ड्राइंग कर सकते हैं उतना अच्छे से ड्राइंग करो और लाइट ड्राइंग करो, ताकि अगर कुछ गलती भी होती है ना तो इरेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैं पूरी ड्राइंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं शेडिंग चालू करूँगी। जैसे जैसी ड्राइंग है मैं वैसी वैसी करती जा रही हूँ। मैंने वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ताकि वीडियो बड़ा ना बने। ड्राइंग तो आप कर ही लेंगे अच्छे से, बस यही है ड्राइंग करते वक्त ध्यान दें कि आप लाइट ड्राइंग कर रहे हो। अब हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा डार्क पार्ट कर रही हूँ। अब ये मैं कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, जहाँ जहाँ पे लाइट है, जहाँ जहाँ पर डार्क है मैं वहाँ पे डार्क करूँगी, जहाँ पे लाइट है मैं वहाँ पे लाइट करूँगी। ये मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, 10 या 15 रुपए की मिल जाएगी आपको 0.5 की है ये पेंसिल। 0.5 और 0.7, 0.7 थोड़ा सा मोटा चलता है। अगर अपन थोड़ा छोटा ड्राइंग करते ना तो उसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करने से बहुत अच्छा डिटेल्स हो पाते हैं अच्छे से। जितना जितना शेडिंग, जहाँ जहाँ पर मिड टोन है, जहाँ जहाँ पर डार्क टोन है वहाँ पे करना है डार्क टोन और मिड टोन। कैप्सिकम मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी अब डेली प्रैक्टिस करती हूँ, तो डेली प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको शेडिंग समझ में आती है, आपको मर्ज करना समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि हमको थोड़ी बहुत स्केचिंग आती है हम डायरेक्ट पोर्ट्रेट से स्टार्ट करें, हम खुद भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमको शेडिंग करना समझ में आता है, मर्जिंग अच्छे से हो पाता है हमसे। ज़रूरी नहीं है कि आप को स्केचिंग आता है तो आप बस पोर्ट्रेट से स्टार्ट करें, आप स्टार्ट से करो ना, मतलब स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से करो। ऑब्जेक्ट को अपन 3D बनाएं, उसके बाद अपन पोर्ट्रेट पाए। पोर्ट्रेट जब डिटेल में बन पाएगा जब आपको अच्छे से ड्राइंग आती होगी। अभी आपको ऑब्जेक्ट में ही शेडिंग करना नहीं आ रही है तो फिर आप कैसे कर पाएंगे फेस में शेडिंग। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी लोग मुझे टैग करते हैं, तो उसमें फेस में जो शेडिंग रहती है या तो बहुत डार्क होगी या तो बहुत लाइट होगी। तो ऐसे नहीं करना है, अपने को बैलेंस करके चलना है, तभी तो अपने अपना पोर्ट्रेट अच्छा दिखेगा। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर छोटी छोटी जगह पर भी अगर हाईलाइट हो तो अपने को हाईलाइट देना है, तभी अपनी ड्राइंग अच्छी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि अरे यहाँ पे भी हाईलाइट है, जरा सी तो जगह है, अपनी ड्राइंग अच्छी दिखेगी नहीं, 3D नहीं दिखेगी अच्छी। तो क्या है, अगर अपन शेडिंग कर रहे हैं तो ठीक है अच्छी दिखेगी, पर अगर आपने छोटी छोटी जगहें छोड़ दी हाईलाइट की और वो सब की, डिटेल में ड्राइंग नहीं की, तो फिर वो 3D नहीं दिखेगी, वो अच्छी नहीं दिखेगी, फिनिशिंग नहीं दिखेगी अपने काम में। मैंने काफ़ी लोगों के काम में देखा है फिनिशिंग नहीं रहती है, तो फिनिशिंग चाहिए तो आपको डिटेल में थोड़ा टाइम देके वर्क करना पड़ेगा। मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है धीरे धीरे ड्राइंग करने में। आप ड्रॉ करोगे डेली, एक कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रख लो अपने सामने और ड्रॉ करने की कोशिश करो, इससे डेफिनेटली आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। वीडियो थोड़ा स्पीड में है ताकि आपको समझ में भी आते रहे
और ज़्यादा टाइम में भी नहीं बने, मेरे को ये बनाने में लग गया है 2 से 2 घंटे तो लगे ही हैं ये ड्रॉ करने में और पूरा डिटेल में शेडिंग करने में। आप बोलोगे कि आपको तो प्रैक्टिस है, आपको इतना टाइम कैसे लग गया। मेरी भी प्रैक्टिस छूट चुकी थी तो मैंने दोबारा अब स्टार्ट की है प्रैक्टिस करना, तो मैंने सोचा ट्यूटोरियल भी बना देते हैं ताकि आपको भी मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कर लो। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको स्केचिंग नहीं आएगी अच्छे से। और स्टार्टिंग में जितनी आप महंगी पेंसिल ना यूज़ करें तो अच्छा है। जैसे ये देखो, मैंने ये 2 पेंसिल से पूरी ड्राइंग बना दी। मैंने देखा है काफ़ी बच्चे घर पे ये बात करते हैं हमको, ये वो ये पेंसिल से बना रहे हैं, तो हमको भी बनाना है इस पेंसिल से तभी हमारी ड्राइंग अच्छी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल पेंसिल से भी अच्छी ड्राइंग कर सकते हो अगर आप उसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हो, पूरा दिल लगा के काम करना, पूरे डेडिकेशन से ड्राइंग करना। ड्राइंग में डेडिकेशन बहुत काम में आता है। पूरा डिटेल में आप देख देख के जैसा जैसा ड्राइंग करोगे वैसा वैसा ड्राइंग होगा। अगर आपसे भूल हो गई कि आपने इतनी सी जरा सी जगह पे शेडिंग नहीं देखोगे तो आपकी ड्राइंग में चेंजेस दिखने लग जाएंगे अपने आप। और मैकेनिकल पेंसिल भी कोई महंगी वाली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो नॉर्मल मार्केट में रहती है आप वो ले लो। लीड, उसकी जो अंदर की लीड रहती है वो आप अच्छी ले सकते हो। जैसे जैसे मुझे हाईलाइट दिखते जा रहा है मैं वहाँ पे जगह छोड़ते जा रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क दिखता है मैं वहाँ पे डार्क कर देती हूँ। जहाँ पे मिड टोन दिख रहा है मैं मिड टोन कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं बस 2 ही पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, उससे पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर दिया है ना। हाँ, पर ये एक पेंसिल होनी चाहिए अगर आप ड्राइंग कर रहे हो ना डिटेल में, छोटा छोटा वर्क करने के लिए बहुत अच्छी पेंसिल है ये। Thank you.
ये है मेरा फाइनल ड्राइंग। होप करती हूँ आपको मेरा ड्राइंग अच्छा लगा होगा। आप भी बनाएं, मुझे टैग करें विजन इनोवेटर पे। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी।